guys, you know there is a saying that on a bad day there is always lipstick. ये theory economics में भी लागू होती है. You will not believe. But अगर economic situation घर की या देश की बुरी चलने वाली होती है तो lipstick sales जो है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि women want to make themselves feel good in such hard times और क्योंकि designer bags, designer jewelry बहुत ज्यादा महंगी होती है तो ये alternative luxuries, low cost lipstick के sales बढ़ जाते हैं. इसीलिए जब pandemic आया था और जब economic situation इतनी खराब थी Nykaa के sales काफी बढ़ गए. I'm sure आप लोग सोचोगे कि इकोनॉमिस्ट लड़कियों के लिपस्टिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे. लड़कों के परचेजिंग के ट्रेंड पे भी एक इंडेक्स इकोनॉमिस्ट में निकाला है कॉल्ड द मेंस अंडरवेयर इंडेक्स. अकॉर्डिंग टू विच अगर लड़के बहुत ज्यादा अंडरवेयर खरीद रहे तो समझ जाओ कि इकोनॉमी इज गोइंग टू बूम. इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी होने वाली है. ऑन द अदर हैंड जब इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब होती है लोगों के पास पैसा नहीं होता तो मेन टेंड टू सेव बाय नॉट बाइंग न्यू अंडरवेयर. वही पुराना अंडरवेयर पहन के अपना काम निकाल लेते हैं. इसीलिए जब पैंडेमिक आया था 2008 क्राइसिस आया था तो बिग ब्रांड्स जैसे जॉकी और लक्स के सेल्स जो है गिर गए. बोला था एसएसटी रिलेटेबल नहीं है.